बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एक बार फिर पश्चिम बंगाल पहुंच गए हैं। विधानसभा चुनाव सामने हैं और नड्डा की कोशिश है कि राज्य में पहली बार बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब हो जाएं। बीजेपी नेताओं के निशाने पर है राज्य की ममता सरकार और जेपी नड्डा ने भी आज ममता सरकार को खूब आड़े हाथों लिया। तो क्या कहा नड्डा ने, देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है, जिसे लेकर बीजेपी और टीएमसी के बीच सियासी घमासान तेज हो गया है। बीजेपी ने राज्य में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। हर बड़ा नेता बंगाल का दौरा कर रहा है। पिछली बार जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पश्चिम बंगाल आए थे तो जमकर बवाल मच गया था। उनके काफिले को निशाना बनाया गया था और जब नड्डा मंच पर आए तो उन्होंने जमकर ममता सरकार को खरी खोटी सुनाई। नड्डा ने पश्चिम बंगाल के बर्धमान में पार्टी की एक मुट्ठी चावल संग्रह योजना की शुरुआत भी। इसके बाद पार्टी की रैली में नड्डा ने टीएमसी और ममता सरकार पर तीर छोड़ने शुरू किए। नड्डा ने कहा कि टीएमसी द्वारा हर काम के लिए कटमनी ली जा रही है, अब नए राजकुमार धन बटोर रहे हैं। नड्डा का इशारा ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी की ओर था। अन्नदाताओं को साधने की कोशिश करते हुए नड्डा ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने कृषि बजट 6 गुना बढ़ा दिया है। इसी के साथ स्वामीनाथन कमेटी के रिपोर्ट को पीएम मोदी ने लागू किया है, लेकिन बंगाल से अब ममता बनर्जी की जमीन खिसक चुकी है तो उन्हें अन्नदाताओं की याद आ रही है। लेकिन अब अन्नदाताओं को मदद देने का क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। बंगाल के लोगों ने तय कर लिया है कि ममता बनर्जी को जाना है और बीजेपी को लाना है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।